इस वीडियो का उद्देश्य फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना है। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सिमी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तो चलो मीटिंग रूम में। एक बात तो बताइए सुगंधा। ऐसी कौन सी बात है, पहले बैठकर ठीक से सांस तो ले लो। अब बिना संकोच के पूछो अपना सवाल। सुगंधा, अभी हमें काफी ट्रेनिंग देनी है, कल पहले सीतापुर जाना है और फिर मंडलोई भी, क्यों ना काम बांट लिया जाए। एक ट्रेनिंग सेशन में दो लोगों की क्या जरूरत, आप सीतापुर चले जाइए और सिम्मी मंडलोई चली जाएगी, क्या ऐसे काम जल्दी नहीं हो जाएगा? आइडिया तो सही है, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। चलो ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमें जो जो काम करने आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक सेशन के लिए सिर्फ एक फैसिलिटेटर काफी है या को फैसिलिटेटर की जरूरत भी होगी। मैं लिखती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो जान लेते हैं कि फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर कौन होते हैं। बिल्कुल सही कहा सिमी, आम बोलचाल की भाषा में फैसिलिटेटर का मतलब प्रशिक्षण कर्ता या एक सूत्रधार से होता है जो उस ट्रेनिंग या सत्र का संचालन करता है और प्रतिभागियों को सीखने में मदद करता है। और ठीक उसी तरह को फैसिलिटेटर का मतलब सह प्रशिक्षण कर्ता होता है, ये व्यक्ति ट्रेनिंग को सही से संचालित करने में प्रशिक्षण कर्ता की मदद करता है। किसी ट्रेनिंग सत्र की सफलता के लिए को फैसिलिटेटर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रतिभागियों को बताया जा रहा है वो उसे ठीक से समझ रहे हों। बिल्कुल सही विजय, अब हम फैसिलिटेटर के कामों की लिस्ट बनाते हैं। फैसिलिटेटर का काम, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना, ट्रेनिंग सत्र का संचालन करना, ट्रेनिंग में की जाने वाली गतिविधियों को करना या करवाना, आपसी ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर चर्चा को सही दिशा देना, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रतिभागियों का सही से मूल्यांकन करना। और अब को फैसिलिटेटर की लिस्ट बनाइए, उसे क्या करना होगा। को फैसिलिटेटर का काम, ट्रेनिंग सत्र को संचालित करने में फैसिलिटेटर की मदद करना, ट्रेनिंग के सभी सत्र को उचित समय पर खत्म करवाना और कुछ छूटने पर उसे प्रतिभागियों को बताना, प्रतिभागियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और सीखने में मदद करना, प्रतिभागियों के बीच आपसी मतभेद की स्थिति में उन्हें समझाना और सही रास्ता दिखाना, फैसिलिटेटर के अनुपस्थिति में ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए तैयार रहना, प्रतिभागियों के फीडबैक को नोट करना। ट्रेनिंग के दौरान तो इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, इसीलिए तो हर ट्रेनिंग में हमें दोनों की जरूरत होती है ताकि ट्रेनिंग को सही तरीके से दिया जा सके। चलो ये तो हुई ट्रेनर की बात, अब प्रतिभागियों पर आते हैं। अलग अलग लोगों की सीखने की शैली अलग अलग होती है, तो फैसिलिटेटर कैसे तय करेगा कि बात सब तक पहुँच रही है। तुम्हारी बात सही है, सबकी सीखने और काम करने की शैली एक दूसरे से अलग होती है। एक अच्छा फैसिलिटेटर अपने को फैसिलिटेटर के साथ मिलकर बहुत सी गतिविधियों जैसे समूह कार्य और चर्चाओं को शामिल करके एक सफल ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। पर मैंने तो देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग बोलते ही नहीं या कुछ बहुत कम बात करते हैं। ऐसे में हमें प्रतिभागियों से सवाल पूछकर या उनकी राय मांगकर चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। महिला प्रतिभागियों के साथ ये और भी जरूरी है, अक्सर महिलाएं बड़े समूह में खुल नहीं पाती और अगर समूह में पुरुष भी हों तो उन्हें अपनी बात कहने में और झिझक महसूस होती है। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागियों का ध्यान भटक जाना भी तो संभव है। वेरी गुड ज्योति, इसके लिए हम फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी है कि इधर उधर की चर्चाओं को रोकें, प्रतिभागियों को विषय से भटकने से रोकें, उन्हें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करें, साथ ही ध्यान रखें कि सभी प्रतिभागी सामाजिक स्थिति, लिंग भेद, जाति भेद और किसी भी प्रकार के भेदभाव को चर्चा के बीच ना आने दें। अब एक बात बताओ, फैसिलिटेटर को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए?
हाँ सही सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे तो मैं पहले पेज पर नोट करूँगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि फैसिलिटेटर की भूमिका सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए है, ना कि एक टीचर की तरह ज्ञान देने के लिए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी गलत जानकारी नहीं देना चाहिए, किसी विषय पर अपनी राय प्रतिभागियों पर नहीं थोपना चाहिए, प्रतिभागियों के विचारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पहले से ही परिणाम ना बताएं, उन्हें खुद वहां तक पहुंचने दें, प्रतिभागियों को बोलने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें तभी बीच में बोलना चाहिए जब प्रतिभागी चर्चा से भटक रहे हों या वो अटके हुए दिखाई दे। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है, इसे तो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। आइए विचार करें कि एक ट्रेनिंग को सफल बनाने में फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर की क्या भूमिका होती है।